आरक्षण को लेकर बसपा के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत गोरखपुर में ही बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता आंदोलित हैं और सुबह से ही करीब 11 बजे से ही ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, पूरा एक बार पूरा दिखाइए, ये पूरा कितनी भीड़ है यहाँ पे, सारे लोग आंदोलित हैं, ये आरक्षण बचाने के लिए लगातार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आंदोलन है? ये भारतवर्ष में देख रहे हैं कि पूरे जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है क्रिमिनल एयर को आरक्षण को लेके, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के SC ST OBC के लोग आज घर से निकल के सड़क पर हैं। ये जब तक ये आरक्षण वापस, उनका ये जजमेंट वापस नहीं होगा, तब तक ये समुदाय ये लगातार संघर्ष करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो लोग एक बार लाभ ले लिए हैं वो लोग ना लें, इस पर विचार किया जाए और जो लोग कभी लाभ नहीं पाए हैं उनको भी लाभ दिया जाए। आप देख रहे हैं कि पूरे धरातल पर, देख रहे हैं पूरे धरातल पर जो भी जब से संविधान बना अब तक आरक्षण का हिसाब से अभी SC ST उस जगह पर नहीं है, जिसके आधार पर जब वो अभी हम कोटा ही नहीं पूरा हुआ, हमारे लोग उस स्थान पर जा ही नहीं पाए, इस नाते अभी हम लोग क्रिमिनल एयर की कोई बात नहीं है। जब इस तमाम पूरे भारतवर्ष के हमारी जो जनसंख्या, जितनी जिसकी जनसंख्या है, आबादी से हम वंचित हैं, हम वो अधिकार से वंचित हैं, हम वो आरक्षण से वंचित हैं, तो फिर अभी क्रिमिनल एयर की कोई बात ही नहीं है। आपका कहना है कि अभी क्रिमिनल एयर नहीं हुआ है, अभी जो है जो आरक्षण चल रहा है वो चलता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय प्रकाश सत्यम, अम्बेडकरवादी अधिवक्ता मंच का मैं अध्यक्ष हूं। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि इस देश में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उससे जो उबाल पैदा हुआ, वास्तविक रूप से जो है समाज को बांटने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने और देश में अस्थिरता पैदा करने का काम किया। जो संवैधानिक अधिकार हमारा आज से नहीं आता देश की आज़ादी के बाद से मिला हुआ है, उसको ये ख़त्म करने के लिए लगे हुए तत्पर। इस देश में कलोजियम सिस्टम है जहाँ पे आरक्षण की कोई बात नहीं की जाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है और अपने ही 400-500 लोगों के घर के बच्चे और जो लोग हैं वही लोग हो रहे हैं। जो लेटरल एंट्री हो रही है उसको नहीं बंद किया जा रहा है। जो EWS आरक्षण दिया गया था फैसला उसको नहीं बंद किया जा रहा है। क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? जब हमारा आरक्षण आज तक पूरा नहीं हुआ और उसको लेटरल एंट्री तो सरकार ने वापस ले लिया। लेटरल एंट्री जो है पूरे में नहीं ली गई है, अभी आज के ही पेपर में पूरी नहीं ली गई है। जो कार्मिक मंत्री जो है उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से लेटरल एंट्री वापस ले ली गई है, लेकिन जो सचिवालय और सब जगहों पे है IS/PC की जो भर्ती की जा रही है वहाँ नहीं ली जा रही है। और सवाल यह है कि आरक्षण, अभी आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, तो जो रामविलास पासवान के पुरखे जो अब वर्तमान में वो आरक्षण लेके सांसद बन रहे हैं, मुर्मू बन रही हैं और विदेश के तमाम नेता जो है दलित आरक्षण के लाभ लेकर बन रहे हैं बार बार, और जो हमारा प्रधानमंत्री है 3-3 बार बिना आरक्षण के प्रधानमंत्री बन रहा है, तो वो भी तो एक तरह का आरक्षण हुआ इस देश में। तो ऐसे समस्त आरक्षण को जो एक व्यक्ति एक बार किसी पद पर हो चुका उसको स्वतः वहाँ से समाप्त करते हैं। देश में ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और सबके लिए यह शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करना चाहिए, देश की चाहे छोटी कुर्सी हो। आपका कहना है कि जो लोग एक बार लाभ ले लिए हैं चाहे जो भी हों वो उस कुर्सी दोबारा न जाएं और ये दलित आरक्षण जो है ये लगातार चलता रहे। क्या करना चाहेंगे? क्या नाम है? सर मेरा नाम विद्यासागर है। मैं तो बस सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल एयर के संबंध में यही कहूँगा कि जिसका लाभ लेके सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जज बने हुए हैं, वही लाभ SC ST में क्यों हटा रहे हैं? बस यही कहना है। आपका कहना है कि जो लोग लाभ लिए हुए हैं, जो लोग लड़ रहा है, बिके हुए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनाथ प्रसाद है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये मोदी जी जो है ये अपना दोष छोड़ा करके सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण हटवाना चाह रहे हैं। ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग खरीद लिए हैं। आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो लोग एक बार लाभ ले लिए हैं उनको दोबारा लाभ ना मिले, जो जरूरतमंद है उनको लाभ मिले, इस पर विचार किया जाए, ना कि कोई आदेश दिया। ऐसा है, अभी कितने लोग हमारे लाभ ले पाए हैं? बहुत कम लोग लाभ ले पाए हैं। अभी तो मुश्किल से मुश्किल 2-4% भी लाभ ले पाए हैं, अभी तो बहुत लोग बाकी हैं। क्यों इतना कम ले पाए? क्या कारण रही? इसके पीछे खामियां क्या रही? खामियां मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात खामियां हमारी जो है, जो आज तक देश की आज़ादी के 75-75 साल हो गए, आज तक इस देश की आज़ादी के 30-35 साल तक जो है सामान्य वर्ग के लोग दलितों के आरक्षण पर काबिज थे,
हमारा समाज तो 30 साल आज़ादी के 30 साल बाद से पढ़ना लिखना शुरू किया, उसके पहले सारे आरक्षण का लाभ ये समान वर्ग के लोग उठाते रहे, तब उनका पेट में कष्ट नहीं हुआ। आज हमारे लोग जब पढ़ लिख के उस स्थान पर जाना चाह रहे हैं संवैधानिक अधिकार के तहत, तो उनको कष्ट हो रहा है। और इस तरीके की बात जो है वो संविधान की हत्या करने के बराबर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है, आरक्षण पहले तो आर्थिक आधार पर दिया नहीं गया था, सामाजिक स्टेटस पर दिया गया था। और आज भी जो है राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बावजूद भी उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। आज भी IAS PCS या आप मुख्यमंत्री हो जाए फिर भी उनकी असर जातीय स्तर से देखी जा रही है। और बैकलाग की भर्तियाँ और अन्य भर्तियों को जो है सुधार होगा, इसके सुधार करने के लिए विशेष बैकलाग अभियान चलाया जाए। विशेष दलितों के लिए भर्ती जितनी रिक्तियाँ हैं उसको जो है विशेष अभियान के तहत जो है चला के भरा जाए। लेकिन सरकारों की मंशा तो ये है कि किसी प्रकार से निजीकरण करके आरक्षण स्वतः समाप्त कर दिया जाए। वास्तव में इन लोगों की मंशा ही खराब है। इन लोगों की अगर मंशा सही रहती तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं आती। सबसे बड़ी बात, आरक्षण को जो है ये दूसरे माध्यम से न्यायालय के माध्यम से बंद कराने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। सबकी सच्चाई तो यह है कि सामाजिक स्तर पर आरक्षण की बात थी और ये जो है दलितों का, तब तक सामाजिक स्तर एक मजबूत ना हो जाए तब तक आरक्षण समाप्त करने की कोई बात ही नहीं है। आपका कहना है कि अभी भी दलित समाज काफी पिछड़ा हुआ है, उसको उसका हक नहीं मिला है, अभी भी समाज में भेदभाव है, जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक ये आरक्षण जारी रखना चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।